तो हमारा एक बहुत ही वाइटल टॉपिक यहाँ पे शुरू हो रहा है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ शुरू हो रहा है क्योंकि पहले तो हमने सिर्फ मैट की रीडिंग की थी। अब हम लोग जाएंगे दिल से दिल तक। अब हम लोग मेहनत करेंगे इस टॉपिक को रिटेन करने में। तो ये रिवीजन बोलो तो आपकी मर्जी, लेकिन ये स्टार्ट बोलो तब भी आपकी मर्जी। मैं तो जानता हूँ कि बस अब ये जो सेशन चल रहा है, इस सेशन को जो प्रॉपरली हैंडल कर लेगा उसका टॉपिक हो गया। टॉपिक का नाम है पावर ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटी। टॉपिक का नाम है पावर टू क्रॉल इंफॉर्मेशन। टॉपिक का नाम है पावर टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन। टॉपिक का नाम है सर्वे एंड टॉपिक का नाम है सर्च एंड सीज। तो लिटरली ये टॉपिक है जिसमें इतने सारे सब टॉपिक्स इन्वॉल्व है। इसका सेक्शन है 131, इसका सेक्शन है 133, इसका सेक्शन है 133A, इसका सेक्शन है 133B और इसका सेक्शन है 132। यहाँ पे एक और सेक्शन है 133C। हम लोग ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 मोटा मोटी 7-8 सेक्शन करने जा रहे हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पावर ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटीज। आराम से सुनिए। तो इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास वो सारे पावर है जो सिविल कोर्ट के पास पावर होते हैं ड्यूरिंग हैंडलिंग अ सिविल प्रोसीडिंग्स। तो इस सिविल कोर्ट के पास क्या क्या पावर होते हैं वो जान लो। तो बस वो सारे के सारे पावर इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास होते हैं। कौन कौन से पावर होते हैं? पावर टू कॉल रिकॉर्ड्स, पावर टू इन्वेस्टिगेट, पावर टू इन्फोर्स अटेंडेंस ऑफ पर्सन। आइए मिलिए हमसे। पावर टू इश्यू इन्फोर्स अटेंडेंस ऑफ पर्सन, पावर टू इश्यू समन और पावर टू एग्जामिन ऑन ओथ। ये पावर इनके पास होते हैं कि सिविल कोर्ट भी ऐसा कर सकता है। देखो आपने पिक्चरों में देखा होगा, वो तो खैर क्रिमिनल कोर्ट के पिक्चरों में जो कोर्ट रूम रहते हो क्रिमिनल कोर्ट के रहते हैं। अदरवाइज सिविल कोर्ट में भी आपको बोला जा सकता है भैया गीता पे हाथ रख के कसम खाइए कि जो कहूंगा सच कहूंगा, तो ये किया जा सकता है। एग्जामिन ऑन ओथ, उन्हें समन दे के बुलाया जा सकता है, उन्हें बोला जा सकता है आओ पर्सनली आके बात करो, अटेंडेंस इन पर्सन आके बात करो। इन्वेस्टिगेशन कुछ भी इन्वेस्टिगेशन कराया जा सकता है, कॉल रिकॉर्ड्स कराया जा सकता है। ये दिया हुआ है सेक्शन 131 में। एक बार 131 आप अपनी नजर से देख लो भैया। बहुत ही वाइटल है, एकदम नजर से देख लो। पावर ऑफ आईटी अथॉरिटी। तो आईटी अथॉरिटी शैल हैव ऑल द पावर वेस्टेड इन अ सिविल कोर्ट डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन, इन्फोर्स अटेंडेंस ऑफ अ पर्सन, एग्जामिन इन सच पर्सन हाँ, कंपेलिंग द प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, इश्यू समन, और आईटी अथॉरिटी कैन इम्पाउंड बुक्स ऑफ अकाउंट। ये मैंने नहीं बोला था। आईटी अथॉरिटी कैन इम्पाउंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स विद इन फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 15 डेज। ये भी उनके पास पावर है। ठीक है, इनकम टैक्स अथॉरिटी कैन डू सर्च एग्जामिनेशन इनफोर्स, ऐसा कोई कोड बन जाएगा। इनकम टैक्स अथॉरिटी कैन डू सर्च एग्जामिनेशन एंड इनफोर्सिंग अटेंडेंस ऑफ पर्सन। तो खैर ये इनकम टैक्स अथॉरिटी के पावर है जो आपने यहाँ पे देखा। क्या था यहाँ पे? इम्पाउंड बुक्स ऑफ अकाउंट। लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स मैक्सिमम मान दी जा सकते कितने दिन के लिए? 15 डेज के लिए, उससे बेसी नहीं। ये था सेक्शन 131। अब सेक्शन 132 में जा रहे हैं। सेक्शन का नाम है सर्च सर्च एंड सीज। थोड़ा बड़ा है लेकिन बड़ा वाइटल है। कई सारे हेडर्स में आप समझिए, कितने सारे हेडर। पहला हेडर
कौन सर्च इनिशिएट करेगा? हु कैन इनिशिएट सर्च? दूसरा, हु विल डू सर्च? हु विल कंडक्ट सर्च? कौन करेगा सर्च? तीसरा, रीजन टू बिलीव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और यदि रीजन टू बिलीव है तो कैसा रीजन टू बिलीव है? चौथा, कहां सर्च होगी? वेयर टू सर्च? क्वेश्चन देखिए पांचवा, व्हाट टाइम, कौन से टाइम पे सर्च होगी? व्हाट टाइम? पावर ऑफ ऑफिसर्स जो सर्च करने आए हैं उनका क्या पावर है? उसके बाद कई सारे एक्स्ट्रा पॉइंट आ रहे हैं। अच्छा, वो प्रिजम्पशन ऑफ सर्च, उसके बाद आपके जो काम का नहीं है दूसरे आईटी अथॉरिटी का है, नॉन जुरिडिक्शनल, यदि कुछ कंटेंट आ गया तो उसके जुरिडिक्शन वाले ऑफिसर्स को भेज दीजिए, रिक्विजिशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, ऐसे इसमें कई छोटी छोटी बातें हैं। वैल्यूएशन ऑफिसर, रेफरेंस टू वैल्यूएशन ऑफिसर, एंड नंबर नेक्स्ट कंडक्ट प्रोविजनल अटैचमेंट। तो इसमें कई छोटी छोटी बातें हैं और एग्जाम में ऐसे तो आएगा नहीं, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सर्च, कोई एक को पिन पॉइंट किया जाएगा, किसी एक को पिन पॉइंट किया जाएगा, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस तभी मिलेगा जब आपको सारे पॉइंट याद हो। तो पहला पॉइंट लेते हैं, हु कैन इनिशिएट सर्च। तो ध्यान रखिएगा, चीफ कमिश्नर इज द बंदा जो आपका सर्च इनिशिएट कराएगा। तो चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स, ये लोग चार बंदे हैं जो सर्च इनिशिएट करा सकते हैं। किस बंदे की? हु विल कंडक्ट सर्च? कौन सर्च कंडक्ट करेगा? कोई भी, इंस्पेक्टर, एसेसिंग ऑफिसर, जॉइंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर, जॉइंट डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर, असिस्टेंट कमिश्नर, असिस्टेंट डायरेक्टर, कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल डायरेक्टर, ये सारे बंदे सर्च करने जा सकते हैं इफ ऑथोराइज बाई चीफ कमिश्नर ऑनवर्ड्स। क्या रीजन टू बिलीव था जो सर्च इनिशिएट किया आपने? क्यों? तो यहां पे चीफ कमिश्नर के पास ऐसा रीजन टू बिलीव था कि इसको 142(1) की नोटिस दिए थे, परंतु इसने रिस्पॉन्ड नहीं किया, जबकि इसके पास वो पेपर डॉक्यूमेंट्स है, या इसको 142(1) की नोटिस देंगे ना तब भी ये रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, इसको 131 का समन दिया था इसने रिस्पॉन्ड नहीं दिया, या 131 का समन देंगे ना तब भी ये रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। जब ऐसा हमारे चीफ कमिश्नर को रीजन टू बिलीव हो जाए, देन ही विल इनिशिएट सर्च। एक और पॉइंट है कि इस बंदे ने कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वैल्यूएबल आर्टिकल्स, ज्वेलरी, बुलियन, कैश सीक्रेटेड किया हुआ है, जो या तो हमें हैज नॉट बीन डिस्क्लोज और नॉट अबाउट टू डिस्क्लोज, जो या तो नहीं बताया है या नहीं बताएगा। ऐसा चीफ कमिश्नर के पास रीजन टू बिलीव होगा तो वो सर्च इनिशिएट करेगा। रीजन टू बिलीव मस्ट बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, लेकिन रीजन टू बिलीव आपको किसी को बताने की दरकार नहीं है, इवन इनकम टैक्स एपीलेट ट्रिब्यूनल तक को आपको बताने की दरकार नहीं है, लेकिन हाईकोर्ट मांगेगा तो बताना पड़ेगा। आई होप रीजन टू बिलीव आप अच्छे से लिख लेंगे। वेयर टू सर्च? एनी प्लेस, कुछ नहीं, एनी प्लेस, तो घर पे भी, एनी प्लेस, कहीं पे भी। व्हाट टाइम? एनी टाइम, एनी टाइम, देर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन टाइम लिमिट, देर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन प्लेस। जहां जहां का आपके पास सर्च वारंट है वहां वहां जाते आप सर्च कर सकते हो। पावर ऑफ ऑफिसर, ऑफिसर के पास वाइड वाइड पावर है, वो किसी भी प्रिमाइसेज में जो कि उसके सर्च वारंट में फॉल करता है
उसमें एंटर कर सकता है, वेसल्स में एंटर कर सकता है, एयरक्राफ्ट में एंटर कर सकता है, व्हीकल में एंटर कर सकता है। जो जो दरवाजे खुले मिल रहे हैं अच्छी बात है, जो जो दरवाजे नहीं खुल रहे उन्हें तोड़ सकता है, वो प्रोविजनल अटैचमेंट प्रॉपर्टी कर सकता है, वो आपको आपको वो बंदा आपको आपके सीज बोलते हैं ये पावर टू क्रॉल एंड सीज, सीज नहीं बोला, वो वहां से जो जो सामान मिलेगा उठाते लेते आ सकता है। ठीक है, एंटर लॉक ओपन द डोर सर्च सीज, और ये तो बोलने की बात ही नहीं थी, वहां पे यदि कोई पासवर्ड मिला तो पासवर्ड देना पड़ेगा आपको। और क्या प्रिजम्पशन ऑफ सर्च, जो है जो लिखा हुआ है वो सही लिखा हुआ है, जो आपकी हैंडराइटिंग से मिलता है वो आप ही ने लिखा है, जो सिग्नेचर आपके सिग्नेचर से मैच खाता है वो सिग्नेचर आप ही का है। आप ये नहीं बोल सकते कि ये सर्च मैंने नहीं किया, ये सिग्नेचर मैंने नहीं किया था, आप ऐसा नहीं बोल सकते। जो भी वैल्यूबल आर्टिकल्स मिला हो उन सबके ओनर आप ही हो, यदि वो आपके कस्टडी में मिला है। नॉन ज्यूरिडिक्शनल, यदि किसी डिपार्टमेंट के बंदे ने सर्च की और सर्च के दौरान उसे किसी दूसरे बंदे के पेपर्स मिले तो वो सारे पेपर्स वो उस बंदे के ऑफिसर्स को हैंड ओवर करेगा। रिक्विजिशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, यदि कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स है जो कि बात बात की सेक्शन आप जानते हो 148 में बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिटेन नहीं किया जा सकता, परंतु सर्च एंड सीजर में आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स उठा लिए जाएंगे। और यदि वो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में काम नहीं आ रहे तो जिस कमिश्नर के जुरिडिक्शन में वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स काम आएगी, यानी सपोज मेरे प्रिमाइसिस में आपको एच का डॉक्यूमेंट्स मिला, एच का पेपर मिला, तो सर्च हो रही है मेरी एच की, सॉरी संजय की, और डॉक्यूमेंट्स मिल रहा है मिस्टर एच का, तो फिर वो जो मिस्टर एच जिस जुरिडिक्शन में फॉल करता है ना, उस जुरिडिक्शन के कमिश्नर को सारे सामान हैंड ओवर कर दिया जाएगा। रेफरेंस टू वैल्यूएशन ऑफिसर, रेफरेंस टू वैल्यूएशन ऑफिसर, सर्च के दौरान या सर्च के बाद भी कोई भी वैल्यूएशन का काम चाहिए तो हमारे वैल्यूएशन ऑफिसर्स को आप रेफर कर सकते हो, वैल्यूएशन ऑफिसर उस पर अपनी वैल्यूएशन रिपोर्ट 60 दिन के अंदर दे देगा। प्रोविजनल अटैचमेंट, यदि डिपार्टमेंट को ड्यूरिंग द सर्च लगे या आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सर्च भी लगे तो विद इन 60 डेज वो किसी भी प्रॉपर्टी को आपकी प्रोविजनली अटैच कर सकता है, लेकिन ये प्रोविजनल अटैचमेंट 6 महीने के लिए वैलिड है, उसके बाद ये प्रोविजनल अटैचमेंट खाली हो जाएगा। ओके, रिक्विजिशन ऑफ बुक्स, 132A में यदि किसी और बंदे ने सर्च मारी है, मे बी वो बंदा वो ऑफिसर्स फेमा का हो सकता है वो ऑफिसर्स इलेक्शन कमीशन का हो सकता है वो ऑफिसर्स किसी और लॉ का हो, तो हमारे डिपार्टमेंट को पेपर चाहिए, वैल्यूबल आर्टिकल चाहिए, एसेट चाहिए, तो डिपार्टमेंट उस डिपार्टमेंट के मतलब फेमा के डिपार्टमेंट को या ईडी को इलेक्शन कमीशन को इनको वो नोटिस देगा कि भैया आपका जैसे काम हो जाए एज सुन एज पॉसिबल मुझे लौटाइए, तो फिर वो पेपर डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल आर्टिकल्स उनके पहले यूज होने के बाद फिर यहाँ पे आ जाएगा। रेफरेंस टू वैल्यूएशन ऑफिसर, यदि वैल्यूएशन करते समय कोई भी वैल्यूएशन की दरकार पड़ी तो 60 दिन के अंदर वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर कर दिया जाएगा, और एक बार रेफर होने के बाद वैल्यूएशन ऑफिसर उसको 60 दिन के अंदर हमें रिपोर्ट भेज देगा। प्रोविजनल अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, तो कोई भी वैल्यूएशन करते समय यदि डिपार्टमेंट को लगे कि यह बंदा टैक्स चोरी करने वाला है तो उसी प्रॉपर्टी प्रोविजनल अटैच की जा सकती है, लेकिन यह अटैचमेंट मैक्सिमम 60 दिन, यह अटैचमेंट मैक्सिमम 6 महीने के लिए वैलिड है। ये अटैचमेंट मैक्सिमम
महीने के लिए वैलिड होगा, ठीक है। तो ये अटैचमेंट मैक्सिमम 6 दिन के लिए, 6 महीने के लिए वैलिड होगा। इसके बाद कुछ पॉइंट और है इसमें कि जो बुट्स ऑफ अकाउंट्स आपने उठाए हैं वो कब लौटाओगे। तो भैया जैसे हमारा 143 का स्क्रूटनी असेसमेंट या 144 का बीजे या 147 का रीअसेसमेंट जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, हम आपको नेक्स्ट 30 दिन के अंदर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स लौटा देंगे। हमारा असेसमेंट कंप्लीट हो जाने दीजिए, उसके बाद बात समझ में आई, 30 डेज तक लौटा देंगे। और मनी वैल्यूबल आर्टिकल्स, तो मनी बुलियन ज्वेलरी वैल्यूबल आर्टिकल्स यदि आपने उसका सोर्स रीजन एक्सप्लेन कर दिया है तो हम आप हमें अप्लाई कर दीजिए 30 दिन के अंदर, 30 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्च, और हम आपको 120 डेज फ्रॉम डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्च ये सारी चीजें लौटा देंगे। लेकिन अदर एसेट यदि आपने किया है तो अदर एसेट हम आपको लौटाएंगे नहीं। अदर एसेट मतलब वो एसेट जिसका आपने कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, तो अनएक्सप्लेन्ड एसेट रह गई तो वो एसेट हम आपको लौटाएंगे नहीं। पहले हम उससे अपना टैक्स रिकवर करेंगे, एग्जिस्टिंग टैक्स, फिर हम उसमें अपना फ्यूचर टैक्स रिकवर करेंगे। यदि आपने सेटलमेंट कमीशन पर अप्लाई किया, वहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी तो वहाँ पे जितना टैक्स लेना था वो वसूली करेंगे। सारी वसूली होने के बाद फिर आपको 0.5% इंटरेस्ट के साथ लौटाएंगे। ये इंटरेस्ट काउंटिंग होगा कि जिस दिन आपका असेसमेंट हुआ उससे 180 डेज के अंदर मुझे सब लौटाना है, 120 डेज के अंदर मुझे सब लौटाना है, 120 डेज के अंदर नहीं लौटा पाया तो इंटरेस्ट दूंगा 0.5%। ओके, तो भैया ये इतना छोटा सा चैप्टर था, आपने देखा 15 से 16 मिनट में हमने दिल से दिल तक पूरा सर्च एंड सीजर कंप्लीट किया, ठीक है। नहीं, ये सर्च एंड सीजर कंप्लीट हुआ, अभी अपने आगे बढ़ेंगे और टॉपिक आएगा अगला वाला 133 में हमारे इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास पावर है टू कॉल इंफॉर्मेशन, लेकिन वो इंफॉर्मेशन कैसे कॉल करेंगे। तो आंसर इज एनी इंफॉर्मेशन कैन बी कॉल्ड, जो भी उन्हें लगे कि उनकी प्रोसीडिंग्स के लिए रिक्वायर्ड है वो इन्फॉर्मेशन कॉल कर सकता है। कोई भी ऑफिसर कॉल कर सकता है, असेसिंग ऑफिसर भी कॉल कर सकता है, असिस्टेंट कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर, कोई भी ऑफिसर्स कॉल कर सकता है, लेकिन ये तब जब प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है। लेकिन यदि प्रोसीडिंग्स पेंडिंग नहीं है तो फिर यदि आपको 133 में इंफॉर्मेशन कॉल करना है तो फिर आपको पीसी, आपको सीआईटी या डीआईटी का अप्रूवल लेना पड़ेगा। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से ऊपर की अथॉरिटी या डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स से ऊपर की अथॉरिटी का आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा यदि आपका वो प्रोसीडिंग्स पेंडिंग नहीं है। तो 133B में है पावर टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन, इसमें डिपार्टमेंट आपके यहाँ पहुँच जाएंगे, ऑब्वियसली प्लेस ऑफ बिजनेस में पहुँचेंगे, ऑब्वियसली ड्यूरिंग ऑफिस आवर पहुँचेंगे, और जो इंफॉर्मेशन माननी है मान लेंगे और शांति से चले जाएंगे। 133C पढ़ लीजिए कि यदि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है, वो उस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करने के लिए आपके क्लाइंट को, आपके एसएससी को यदि 133C का नोटिस देता है कि मतलब ये सारी इंफॉर्मेशन दीजिए, तो ये इंफॉर्मेशन आपको देने आना पड़ेगा। 133A सर्वे, सर्वे पहली बात ध्यान रखिएगा, कोई भी इनकम टैक्स अथॉरिटी जाते सर्वे नहीं कर सकता, ये सर्वे से वही कर सकते हैं जिन्हें प्रॉपर अथॉरिटी दिया गया है, ठीक है। हर एक जन जाते सर्वे नहीं कर सकता, तो तो अथॉरिटी में एंटर एनी बिल्डिंग और प्लेस एट विच बिजनेस ऑफ प्रोफेशन इज कैरिड ऑन और चैरिटेबल एक्टिविटीज आर कैरिड ऑन, प्रायर अप्रूवल आपको लेना पड़ेगा कम से कम चीफ कमिश्नर के बंदे का फॉर द पर्पज ऑफ सर्वे। बात बात की सर्वे करने तो कोई भी बंदा जा सकता है, लेकिन अप्रूवल चीफ कमिश्नर के बंदे का होना चाहिए, इंस्पेक्टर भी तो सर्वे करने जा सकता है। यदि सर्वे का उन्हें इंस्ट्रक्शन मिल गया तो वो आएंगे, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंस्पेक्ट करेंगे, डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्ट करेंगे,
वेरीफाई करेंगे आपका कैश स्टॉक और अदर वैल्यूबल आर्टिकल्स, प्लेस मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स मार्किंग करेंगे, मेक एन इन्वेंट्री ऑफ एनी कैश स्टॉक और अदर वैल्यूबल आर्टिकल, इम्पाउंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर मैक्सिमम 15 वर्किंग डेज एंड रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ एनी पर्सन। बात लिए, चैरिटेबल एक्टिविटीज का सर्वे हो सकता है परंतु रिलीजियस प्लेस का सर्वे नहीं हो सकता। टाइम ऑफ एंट्री, एंट्री यदि आप जिस प्लेस पे सर्च करने जा रहे हो वो उसका प्लेस ऑफ बिजनेस है, तब तो ऑफिस आवर्स में, ऑफिस आवर्स जो भी उनका बिजनेस आवर है उसमें आप जाके सर्वे करते आ सकते हो। लेकिन यदि वो उसका प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, वो उसका कोई और प्लेस है जहाँ पे उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स या डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, तो उसका आफ्टर सूर्यास्त एंड बिफोर सनसाइट, बिफोर सनसेट कोई इवेंट का भी सर्वे हो सकता है। यस, इवेंट का भी इनकम टैक्स अथॉरिटी जाती है, सर्वे कर सकते हैं, परंतु उस बंदे को चेज तभी किया जाएगा जब कंप्लीशन ऑफ इवेंट होगा। चलो बढ़िया, एक टीडीएस सर्वे की भी बात है कि टीडीएस सर्वे में क्या क्या हो सकता है, तो टीडीएस सर्वे में सब हो सकता है। आएंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करेंगे, मार्किंग करेंगे, नोटिंग करेंगे, सब करेंगे, लेकिन वो आपके वैल्यूबल आर्टिकल्स इन सब का इन्वेंट्री नहीं लेंगे, वो आपके कैश का इन्वेंट्री नहीं लेंगे, वो आपके ज्वेलरी का इन्वेंट्री नहीं लेंगे, वो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स इम्पाउंड नहीं करेंगे, वो जस्ट आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करेंगे और आपको लौटा देंगे। तो भैया पूरा सर्च वे सर्च सीजर आपने 20 मिनट में किया, आई होप ये 20 मिनट का वीडियो आपके बहुत वाइटल है, ये पूरा सर्च एंड सीजर कवर करता है।